और बड़ी खबर, इस वक्त 14 मई को पीएम मोदी नामांकन करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले 13 मई को करेंगे वाराणसी में बड़ा रोड शो। सातवें चरण में है वाराणसी में चुनाव, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 14 मई को पीएम मोदी नामांकन करेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 14 मई को पीएम मोदी नामांकन करेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त की। वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे, 13 मई को वाराणसी में बड़ा रोड शो करेंगे। और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, प्रधानमंत्री 14 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे और 13 तारीख को रोड शो करेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बनारस में सातवें चरण में लोकसभा चुनाव में मतदान होना है, ऐसे में 7 तारीख से लेकर वहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 14 तारीख उसमें लास्ट डेट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को अपना नामांकन करेंगे, उससे ठीक एक दिन पहले 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचेंगे और वहां एक लंबा रोड शो करने की जो तैयारी है वो बीजेपी तमाम नेताओं के द्वारा तैयार की जा रहा है। उसका एक पूरा एक प्रक्रिया और पूरा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, किस तरह से कहां से और कितना लंबा रोड शो प्रधानमंत्री का रहने वाला है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को पत्थर से अपना नामांकन करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम करने की जो योजना है वो बीजेपी तैयार कर रही है। जैसे कि आपने 2019 में भी देखा कि बहुत लंबा रोड शो जो है वो प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि सिर्फ बनारस ही नहीं, बनारस की आसपास की जो सीटें हैं, चाहे वो गाजीपुर हो, बलिया हो, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं आसपास की जहां सातवें चरण में मतदान होना है और प्रधानमंत्री उस पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए एक बहुत बड़ा रोड शो 13 मई को करने वाले हैं। उसके बाद में 14 मई को अपना नामांकन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो 14 मई को पीएम मोदी नामांकन करेंगे, बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। नामांकन से पहले पीएम का रोड शो होगा। 14 मई को पीएम मोदी नामांकन करेंगे, बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। और नामांकन से पहले प्रधानमंत्री का रोड शो होगा।